कोरोना महामारी की दूसरी लहर से खौफजदा लोग आज भी बसों में सफर करने से कतरा रहे हैं, जिसका असर नाहन डिपो से चलने वाले एचआरटीसी की बसों में देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय नाहन डिपो से परिवहन निगम के 122 रूट सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिनमें से अधिकतम रूट खाली चल रहे हैं। एचआरटीसी के नाहन डिपो से चलने वाले 122 बस के रूट घाटे में चल रहे हैं। सहायक बस अड्डा प्रभारी नाहन गिरिराज ने कहा कि अधिकतर बस रूटों पर सवारियां नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में एक दिन की कमाई एचआरटीसी के नाहन डिपो को करीब 8 लाख रुपए हुआ करती थी, जो अब घटकर मात्र दो से तीन लाख रुपए रह गई, जिस कारण निगम को रोजाना करीब 5 लाख रुपए का घाटा झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले बस रूटों पर चालक परिचालकों को रहने व खाने पीने संबंधित भी समस्याएं आ रही है। पहले ग्रामीण चालक परिचालक के लिए रहने व खाने पीने का इंतजाम किया करते थे, लेकिन अब महामारी के डर से ग्रामीण चालक व परिचालक से दूरी बना रहे हैं, जिस कारण बसों में ही कर्मियों को सोना पड़ रहा है। एचआरटीसी के नाहन डिपो के चालक रविंद्र सिंह ने बताया कि सराहा नाहन, काला अम, त्रिलोकपुर एवं मंडी घड़ाना, सराहा आदि रूटों पर चल रही बसें खाली चल रही है, जिस कारण निगम को तेल का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। अगर बस बंद की जाए तो संबंधित पंचायत के प्रधान शिकायत करते हैं और मजबूरन बस चलानी पड़ती है, लेकिन सवारियों की बात करें तो वह कई रूटों पर नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले चालक परिचालक खाने पीने व रहने के लिए भी परेशानी झेल रहे हैं। नाहन क्षेत्र के लगभग 169 रूट है, जो कि 122-123 के लगभग रूट चले हुए हैं, और इनमें से भी कई रूट जो ऐसे हैं जो खाली चल रहे हैं, घाटे पे चल रहे हैं, सवारियाँ बहुत कम हैं। और जो नाहन डिपो की डेली की इनकम कोई 7-8 लाख रुपए लगभग बनते थे, वो 2-2.5 लाख रुपए बनते हैं, और लगभग 5-6 लाख रुपए डेली का नुकसान हो रहा है। और जो हमारे कुछ रूट ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं रूट, उनमें जो है ड्राइवर नेटर कोई परेशानी आ रही है, वहाँ खाने की, ठहरने की, रहने की वो दिक्कत आ रही है उनको, वो कोरोना की वजह से, कि उनसे डर रहे हैं लोग। कुछ रूट ऐसे हैं जिनमें कुछ दिक्कत आ रही है, और इससे जो है भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है नाहन क्षेत्र। चालक के पद पे तैनात हूँ नाहन डिपो में ड्राइवर, सराहा तिलोकपुर नाहन तक बिल्कुल खाली गाड़ी है, जिसमें 100 रुपये इनकम भी नहीं आती। शाम को 7:15 बजे सराहा जाती है, बिल्कुल खाली जाती है, ठीक है जी। एक गाड़ी जाती है हमारे इधर से वाया नारायणगढ़ जाने थी, वाया भूट जाती है, वो बिल्कुल खाली जाती है, उसमें 100 रुपये भी नहीं बनते, 2 पर 2 जाते हैं ड्राइवर। लेकिन प्रधान लोग फ़ोन कर देते हैं फिर यहाँ गाड़ियाँ चलवाने को, सवारी देखते नहीं भी है या नहीं है, बिल्कुल खाली जाती है, खाली आती है, बिल्कुल नील है वो उसका भी। एक सराहा से मंडी खड़ाना जाती है गाड़ी, वो बिल्कुल खाली, वहाँ पर प्रधान लोग फ़ोन कर देते हैं। बागतन चनालक जाती है गाड़ी, वो भी बागतन से आके बिल्कुल खाली जाती है गाड़ी। लोगों का ये रोइया हो गया ड्राइवर कंडक्टर, पहले खाना मान लेते हैं फिर उनकी खाल उतारेंगे, वहाँ जाके पहले मान लेंगे हम, तुम्हारे को कमरा भी देंगे, भी देंगे, वहाँ जाएंगे तो ना खाना मिलता ना कुछ, ऐसे परेशान है बहुत लोग हमारे। बहुत से रूट है ऐसे जिसमें बहुत खाली चली है गाड़ी है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।